योगी जी महाराज की देन है कि बाहुबलियों के क्षेत्र खत्म कर दिया गया, यहाँ तो गाजीपुर माहौल शांति हो चुका है। योगी आदित्यनाथ माफिया थे, वो भी चले गए सरकार में, तो माफिया थे और क्या, गोरखपुर में माफिया थे, वो कितने कत्ल करवाए थे। भाई साहब को अलग से न्यूज आया होगा, अलग से न्यूज आएगा। 15 अगस्त 2015 को जो कांड हुआ, सारे सभी लोग को जंगीपुर छोड़ के भागना पड़ा अपने माँ बहनों को लेकर के, इज्जत बचाने के लिए। कहाँ सोए थे सपा वाले। हम लोग पसंद गा रहे और उनके शुभचिंतक भी हैं हम लोग, और बाबा जी ज्यादा हम पसंद भी करते हैं, इसलिए कि एकदम पूरी पूर्वांचल का पूरे उत्तर प्रदेश को तम महाबली को शांत करिए। माहौल तो चकाचक चल रहा है, बीजेपी का चकाचक है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त है पूर्वांचल के गाजीपुर जिले में, जहां माहौल जानने आए हैं और यहां से जनता आखिरकार किसका बेड़ा पार कराएगी। खासतौर से यहां से जो वर्तमान सांसद है अफजल अंसारी, क्या फिर से उनको मौका दिया जाएगा या कोई नया चेहरा आएगा। अफजल अंसारी बसपा की टिकट पर चुनाव लड़कर 2019 में संसद पहुँचे थे, और बात की जाए तो इस बार भी वो चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन से हैं। बसपा ने उमेश सिंह को मैदान में उतारा है। पारसनाथ राय जो है यहाँ से भाजपा के साथ, यानी भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर क्षेत्र से। पहले अगर मैं बात करूँ, जिले की एक जगह है जहाँ नाम है इसका जंगीपुर। जंगीपुर के पास मैं खड़ा हूँ और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मंडी है ज़्यादातर करके, यहाँ पर किसान लोग हैं और शहर के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं। और मंडी में हम किसानों से जानेंगे कि आखिरकार गाजीपुर का जो किसान है और ख़ासतौर से जो आम जनता है वो किसकी तरफ है। यहाँ पर सभी को मौका मिला है और ये मनोज सिन्हा के लिए भी ये सीट जाना जाता है, ख़ासतौर से वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में वो उपराज्यपाल हैं। तो फिलहाल लड़ाई किस कदर है और यहाँ की जनता इस सीट के साथ साथ देश में किसे बिठाना चाह रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अनवर अली। क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ पर? अभी तो माहौल गठबंधन का और भाजपा का लड़ाई, गठबंधन भाजपा दोनों का, मतलब लड़ाई काटेदार है। हाँ, काटेदार है। अच्छा, एक तरफा नहीं कहा सकते? एक तरफा नहीं कहा जा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिसकी वजह से माहौल? महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? महंगाई बेरोजगारी तो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है। तो यहाँ बदलाव चाहिए आपको या वही सांसद अफजल चाहिए? बदलाव चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए, वही सांसद चाहिए। लेकिन वो तो जेल में ज्यादातर समय रहे, तो विकास कैसे हो? विकास गठबंधन की सरकार बनेगी तो खुद बाहर हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये लगता है कि जिसकी सरकार रहेगी वो बाहर करवा दे? हाँ हाँ, करवा लेगा। क्यों, उन पर आरोप जो लगे हैं वो सही नहीं है? आप से अदालत ने उनको बरी कर दिया था, फिर केस लगा के उनको कर दिए, तो कोर्ट में बताया गया ये। तो अफजल के लिए माहौल है? हाँ। और देश का क्या माहौल है? देश का माहौल भी परिवर्तन का है। परिवर्तन का? हाँ। क्या नाम? जागीर रानी। परिवर्तन चाहिए या मोदी जी को चाहिए फिर से? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए यहाँ पर? यहीं पर, गाजीपुर जिले में। गाजीपुर में। और देश में किसको चाहिए? गठबंधन सरकार चाहिए। गठबंधन की सरकार चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा यही जो कर रहे हैं वही मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी। कैसा माहौल है अभी यहाँ का? यहाँ पे बीजेपी का माहौल अच्छे हैं, और निकलने पूरी उम्मीद जी जीत रहे हैं से। उम्मीद तो है पूरी निकलने के, चांसेस ज्यादा यहाँ पर हैं। लोग यहाँ पर लोग मोदी को ही देखो वोट कर रहे हैं कि ताकि यहाँ के विकास पर ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ विकास गाजीपुर हो, क्योंकि गाजीपुर सबसे पीछा हुआ विकास में चल रहा है। जब से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के अगर मैं पूछूँ, सड़कें, बिजली पानी या जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं बेहतरी के लिए, क्या वो है? इसमें 5 साल में सुविधा में, योगी जी की सरकार में 5 साल की सुविधा में तो अच्छे विकास हुए हैं, मोदी जी सरकार में भी फिलहाल में चल रहे हैं, और उम्मीद है कि 5 साल की उम्मीद जो सरकार बनेगी, उम्मीद तो पूरी है कि मोदी की सरकार बनेगी, तो उम्मीद यही किया जा सकता है यहाँ स्वास्थ्य, पानी और सड़कें की व्यवस्था अच्छी होगी, उम्मीद यही किया जा सकता है। आने वाला समय बताएगा क्या होगा कि नहीं। गाजीपुर को बाहुबल एरिया माना जाता है, लोग बाहुबली माफियाओं की वजह से इसको ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, तो क्या लगता है ये छवि मिटनी चाहिए इस क्षेत्र की? भाई योगी जी महाराज की देन है कि बाहुबलियों का क्षेत्र खत्म कर दिया गया, यहाँ तो गाजीपुर माहौल शांति हो चुका है। शांति है, सब शांति है, और उम्मीद है कि जब तक योगी महाराज जी रहेंगे तब तो गाजीपुर पूरा का, पूरे पूर्वांचल का, पूरे उत्तर प्रदेश शांत रहेगा। और हम बाबा जी को हम लोग पसंद गा रहे हैं और उनके शुभचिंतक भी हैं हम लोग, और बाबा जी ज़्यादा हम पसंद भी करते हैं, इसलिए कि एकदम पूरी पूर्वांचल का, पूरे उत्तर प्रदेश को तम महाबली को शांत करिए। क्या नाम है? जहांगीर। हाँ, जहांगीर नाम है। जहांगीर, और ये जंगीपुर नाम जी, ठीक है जी। क्या माहौल है अभी? सपा का बढ़िया है। सपा का जी, साइकिल जी को वापस ला रहे हैं जी जी। और देश का माहौल क्या चल रहा है? देश का माहौल की इंडिया की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन जी। क्या नाम है? मनीष यादव। यादव जी, किसका माहौल है यहाँ? सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। हाँ,
सपा क्यों जीत रही है? सपा इसलिए यहाँ पर कार्य किए है ना, मुख्तार अंसारी कार्य किए, उनके भाई अब जीतेंगे तो वो भी काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन लोग यहाँ कह रहे हैं कि भाई सपा सरकार थी, गुंडे ही थी, माफिया गिरी थी। नहीं, जो गुंडे थे वो सरकार में चले गए भाई, तो गुंडे ही कौन करेगा बताइए। जो गुंडे थे वो सरकार में चले गए हैं, जो गुंडे थे वो सरकार चलाने लगे, तो गुंडे ही कौन करेगा बताइए। गुड्डू गुप्ता बताइए, कह रहे हैं गुंडे जो थे उधर चले गए हैं, सब गुंडा खत्म हो गए, बचा कौन है यहाँ? ये कह रहे गुंडे, पाँच साल सांसद रहे, कहाँ विकास हुआ है? अगर सरकार का नेता तो विकास होता, इसी तरह जो भी सरकार हो उसी का नेता हो तो ठीक है, बाकी बेकार है। अच्छा, ये लगता है आपको है? हाँ बिल्कुल, जो सरकार पहली बार आप एक ऐसे शख्स मिले जिसको लगता है कि जिसका मतलब नेता होना चाहिए यहाँ पर और जिसकी सरकार होनी चाहिए तभी विकास होता है, बजट मांगने में आसानी होता है ना? बजट नहीं, वहाँ बुला के देते हैं कि हमारे सांसद आए और पैसे लेके जाएं, अपने क्षेत्र में खर्चा करें। आज इसका सरकार ने क्या मतलब है उसका? अब जाल जी ज्यादातर समय जेल में, अब जाल से नहीं मतलब है, सरकार से मतलब, इसका सरकार उसका नेता जीते। तो मोदी जी सरकार बढ़िया कर रहे हैं? सरकार बढ़िया किया तभी तो मतलब लोग उसको चाह रहे हैं। अरे सरकार में जो पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी महंगाई है। आप सब्जी किन रहे होंगे, सब्जी देख लीजिए, फल फ्रूट देख लीजिए, पहले के जमाने में कितने सस्ते थे, सरकार सस्ता किया था। बिजली देख लीजिए, 300 यूनिट फ्री देने के लिए वादा किए थे लोग, एक यूनिट भी फ्री नहीं मिल रही है। नहीं कहते कि 300 यूनिट फ्री हम बिजली देंगे, कौन कह रहा था? कोई नहीं कहा था। अरे बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिजली मिल रही है, 24 घंटे देने के लिए बिजली बोल रहे हैं, 24 घंटे। क्या नाम है? प्यारेलाल वर्मा। वर्मा जी क्या माहौल है इधर? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है माहौल तो इस समय, बाजार रही है जानते ही आप, कमल का फूल का है बीजेपी का। तो सुरक्षा शांति और इन सब मुद्दों पर जो है, सुरक्षा तो बढ़िया है, देश में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, प्रदेश में कहीं कोई गुंडा माहौल रहता था पहले यहाँ पर जब पुरानी सरकारें थी? पुरानी सरकार थी तो यही छिनैती डकैती ज्यादा था, व्यापारी परेशान थे, माहौली थे, वो सब सरकार में चले गए, छिनेती कौन करेगा बताइए। अच्छा, कौन सा नेता गया बताओ मुझे? अरे वही जो लोग गुंडे ही कर रहे थे। नाम बताओ। अरे वो सरकार में चले गए, नाम क्या बताओ? नाम बताओ। आप तो देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ माफिया थे, वो भी चले गए सरकार में, तो माफिया थे और क्या, गोरखपुर में माफिया थे, वो कितने कत्ल करवाए थे। अच्छा, हाँ डेटा आपके पास कत्ल वाला? अरे डेटा कहाँ से आया और ये देख रहे हैं अखबार में, और कहाँ से आ रहा है? कत्ल करवाए थे और क्या, मालूम है सपा सरकार से, इनको मालूम भाई साहब को हमारे मालूम है। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार गुप्ता। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि कत्ल करवाए थे, जी जी भाई साहब को अलग से न्यूज आया होगा, अलग से न्यूज आएगा आपको बताए होंगे। यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़े भाई, सुनिए व्हाट्सएप उसको फेसबुक पर मत जाइए, आप जो जो देखिए अपने आँख से तो उसको। ये बताओ ये गढ़ माफिया नहीं, समाजवादी छोड़ो पहले, माफियाओं के नाम से क्यों जाना जाता था? ये बाहुबलियों के नाम से क्यों जाना जाता? आज भी गाजीपुर जब कोई सुनता है, नाम आता है, तो सबसे पहले ही सोचते हैं बाहुबली वाला क्षेत्र है। बाहुबली का मतलब विकास करने वाला बाहुबली होता है, वो विकास करने वाला, उसे विकास करने वाले बाहुबली कहते हैं। ये बदल दिए भाजपा वाले, नाम बदलते हैं, किसी चीज का नाम करते थे। अब देखिए 4 लेन आया था, अखिलेश यादव ने पास कराया, बाहुबली मतलब विकास होता है ये भाई साहब बता रहे। नहीं बाहुबली आप बताइए, आप ही बताइए, बाहुबली का मतलब विकास नहीं होता है, क्या होता है बाहुबली का मतलब? होता है जिसका दबदबा रहता है, जो अपने मन बड़ी दिखाता है, जो अपने हिसाब से चलाए, जो चाहे वो चलाए। तो आप अपने हिसाब से बताइए। बाहुबली जनता बना देती है, ठीक है? बाहुबली जनता बनाती है, वो गरीबों का मसीहा है, ठीक है? उसको बताइए सरकार किसकी थी? सरकार किसकी है? सरकार ये बताइए, फंड आएगा, फंड अगर कुछ तो नहीं मतलब होता है। 5 बरस मतलब खाली कोर्ट का जल्दी दौड़े, 5 बदरी कोर्ट पर दौड़े, 5 मंडिया 5 बार दौड़ेंगे। गाजीपुर में क्या देख रहे हैं आप? इनके राजा भाई जो नाली से गैस निकाल कर चाय बनाते हैं, बच्चों का रोजगार की बात करिए, सबको मौका दीजिए बारा बोलने के लिए, बताइए सबको दीजिए। क्या नाम है? दिनेश कुमार गुप्ता नाम है। तो क्या माहौल है इधर अभी? हम तो ये जानते हैं कि जिसका सरकार उसी को जिताइए, जिसकी सरकार है उसी का रोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ा के बात नहीं है। गर्मी में फूल मुरझा जाए, 400 पार। क्या नाम? क्या नाम है? आरजू का सदन। क्या माहौल है इधर? बीजेपी आएगी इस बार। देखिए हम बता सकते हैं जंगीपुर
सन 2015 और 15 अगस्त का कांड भूला नहीं है सपा सरकार में, जो कि घर छोड़ के भागना पड़ा सभी को। यहाँ पे कैलाश मंत्री जी जो विधायक रहे और यहाँ से राज्य मंत्री भी रहे जंगीपुर से, और 15 अगस्त सन 2015 को जो कांड हुआ, सारे सभी लोग को जंगीपुर छोड़ के भागना पड़ा अपनी माँ बहनों को लेकर के इज्जत बचाने के लिए। कहाँ सोए थे सपा वाले? पूरी सरकार थी, सत्ता थी उनकी, कहाँ सोए थे सब? गुंडा माफिया की सरकार थी। जिसकी सरकार होता है जिसको जिताएंगे वो विकास होगा। यादव बिरादरी पर को घुमाया गया, कहाँ थी बीजेपी 15 अगस्त के 2015 अगस्त के दंगे में? यादव बिरादरी पर के अलावा कुछ नहीं आएगा। बड़ी मणिपुर पे रोए आगिला, बड़ी मणिपुर पे रोए आगिला। तने हमके बतावा जिंदाबाद। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? नाम से क्या मतलब? अच्छा चलिए ये बताइए क्या माहौल है इधर अभी? माहौल तो जो चल रहा है ठीक है। जिसका सरकार है उसी का माहौल है कि कुछ और? के बताओ जाके सारी 1.5 लाख वोट से प्लस जीत रहे हैं। अच्छा क्यों जीत रहे हैं यहाँ से? क्यों जीत रहे हैं जी? यहाँ फिर वो राजनीति होती है धन से, वो जीत रहे हैं एकदम। हमें ये न कहना पड़े कि क्या करें, हमारी सरकार नहीं है। अब जाल अंसारी जी से मैं कहना चाहूँगा आखिर जो है ये ना आपको दोबारा कहना पड़े कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए देना है तो आप लोग बीजेपी के साथ खुल के आइए और समाज का विकास कीजिए, बहन बेटियों की इज्जत के मान। क्या नाम भैया? जितेंद्र कुशवाहा बोलिए। क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल तो चकाचक चल रहा है, इसका माहौल है बीजेपी का चकाचक है। बीजेपी का हाँ। लेकिन यहाँ लोग अब जाल को लेने की तैयारी कर रहे हैं। अरे सब बिरादरी बात हो रहा है ना? हाँ बस यही है बिरादरी। अगर छोड़ दिया जाए, जातिवाद छोड़ दिया जाए, तो विकास के मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दे पर विकास के मुद्दे पर हो रहा है चीज न। हाँ काम हम हुआ है, काम का 500 कहाँ काम हुआ है? जब यहाँ सरकार बनेगी तब ना काम हुआ है। वो तो जेल में थे, जेल में थे तो अब मान लीजिए आएंगे तो विकास करेंगे, जो जीतेगा मैं विकास करेगा। क्या नाम है? अमन वर्मा। किसका माहौल है? बीजेपी। बीजेपी आएगा तो बीजेपी आएगा तो बीजेपी बीजेपी आएगा तो ये केंद्र में बैठेगा बीजेपी केंद्र में भी केंद्र यहाँ पे। जय श्री राम। क्या नाम है? राम पप्पू। पप्पू सिंह। क्या माहौल है? बीजेपी बीजेपी सेट है माहौल। क्या नाम है? मुल्ला जी। मोहम्मद अयूब। अयूब जी कहाँ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, क्या माहौल है? ये भगवा रंग में जा रहा है भैया। पूर्वांचल भाग गए, सपा है पूर्वांचल में, सपा चल रहा है। लालगंज, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, जौनपुर सब सपा है, एक तरफा सपा है। लेकिन पूर्वांचल में एक भी 80 सीट उनसे पूछो, 80 सीट लुंगली निकल रही है। अच्छा। पूर्वांचल से 80 सीट एकदम 80 निकल रही है भैया। हाँ चार्ज उनको ना ओके खेला ना ओके आप कैसे खेला होगा? खेला ईवीएम चेंज होता है भैया। किस बात है? हाँ क्या एकदम देखें हम लोग अगले 2019 का चुनाव में हम लोग देखें भैया पूरा जो सांसद थे अफजल अगर 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 बन जाए 19 में देखे हैं तो अफजल अंसारी के जीत गए कैसे जीत पूछिए इनसे। उसको देखे हैं भैया, नहीं चेंज होने दिए भैया। सारा समाजवादियों घेरा था, जितने समाजवादी थे से सब लोग घेरा था, यहाँ पे खेला नहीं हो पाएगा भैया। इन लोगों का कोई वजूद नहीं है, दो सीट हम लोग निकाले। अच्छा एक मिनट, अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो ईवीएम का रोना बंद कर दोगे? एकदम ईमानदार हो जाएगा सब, एकदम ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव होगा। अच्छा नहीं, अगर आपकी सरकार बन जाती है, गठबंधन आ जाता है अगर आपका, तो फिर ईवीएम नहीं चिल्लाओगे आप लोग? नहीं का जब जहाँ चेंज हो भी नहीं करेगा, चोरी हो भी नहीं करेगा, एक तरफा हम लोग का चुनाव है। मतलब जहाँ सरकार बने वहाँ ईवीएम का दिक्कत नहीं है, और जहाँ सरकार जहाँ भी गड़बड़ी हो वहाँ तो ईवीएम का खेला ही है। अच्छा जी ईवीएम नहीं नहीं भैया, जहाँ हार गए उधर ईवीएम चोरी, आज यहाँ पे जीत जहाँ गढ़ है, जैसे मोदी शायद बनारस जीत रहे हैं। सही बताओ गढ़ में क्वेटो शहर है, एक मिनट अभी तो क्वेटो आपको देखने को मिला है बनारस शहर को? 10 साल हो गया, 10 साल में मोदी साल कहे थे हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिला किसी को? 15 लाख खाते में आया किसी को?
गाजीपुर जिला में आज तक 5 साल में कोई विकास हुआ है? सिर्फ जेल और कचहरी हुआ है, उसके सिवा कुछ हुआ है तो बता के दिखा दे। नेताजी तो आपके जेल ही का चक्कर काट रहे हैं। जी भैया, आपके नेताजी तो जेल ही का चक्कर काट रहे हैं बार बार। ये लोग बुलडोजर आज जेल दिखा रहे हैं भैया, तीनों स्तंभ को अपने पास रखे हैं। क्या नाम है? जितेंद्र शर्मा नाम है, जंगीपुर में। भाई क्या माहौल है? माहौल ठीक है। किसका माहौल चल रहा है? माल माहौल बीजेपी का चल रहा है, अच्छा माहौल है। और ये देखिए, चार हम लोग गाजीपुर जिले में चार घटनाएं हुई हैं, जिसमें जमनिया है, गाजीपुर डिलिया है, डिलिया नहीं एक जगह है चौकिया के पास, हुआ है एक चौकिया है और एक गोरा बाजार है। चार जगह घटनाएं हुई है, चारों में हम तो नाम नहीं बताएंगे, एक स्वजाति बंधु हैं, चारों लोग को मार कैपिटलाइज कर दिए। अच्छा। हाँ, इसकी रिपोर्ट आपको हम मोबाइल में कहेंगे, दे देंगे आपको। और बहुत स्थिति खराब है कि मतलब बीजेपी के जितने कार्यकर्ताओं को पीटे जा रहे हैं। तो गाजीपुर की जनता से हमने माहौल जाना कि यहाँ पर किसकी सीट निकल रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अफजल अंसारी का माहौल है, कुछ लोग पारसनाथ राय की तरफ है। फिलहाल यहाँ पर जनता विकास की तरफ जा रही है और लोग यही कह रहे हैं अगर अफजल अंसारी आ भी जाते हैं तो दिक्कत यह है कि भाई कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में उनका अगला 5 साल भी बीत ना जाए। यही वजह है कि उन पर भरोसा थोड़ा सा कम करें, लेकिन माहौल एक तरीके से कहा जाए तो 50-50 है। फिलहाल क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, गाजीपुर उत्तर प्रदेश।